सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आ चुका हूं आपको दिल्ली के पंजाबी बाग में, जहां पर दिल्ली की सरकार द्वारा बनाया जा रहा है फ्लाईओवर, जो कि दो फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। और इस जगह पर इस फ्लाईओवर के निर्माण का जो कार्य कर रही है कंपनी, वो है गावर कंस्ट्रक्शन, जो कि गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, और उन्हीं के द्वारा इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। यहां पर एक 1.3 किलोमीटर लंबा 6 लेन का फ्लाईओवर बनाया जाएगा, साथ ही साथ एक यहां पर पंजाबी बाग के ऊपर देखोगे तो यहां पर ऑलरेडी एक फ्लाईओवर तो था। जब आप आते थे एनएसपी की तरफ से और टूर्स जाते थे धौलक कुआं, तो आपको इस रिंग रोड के ऊपर एक हिस्से पे तो फ्लाईओवर मिलता था, लेकिन दूसरे वाले हिस्से पे फ्लाईओवर का हिस्सा नहीं था। तो उस जगह पर फ्लाईओवर का हिस्सा तैयार किया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक फुटओवर ब्रिज और दो आपको सबवे भी मिलने वाला है, और उसके अलावा यहाँ पर हमारे आपके वॉक करने के लिए जगह भी दी जाएगी। तो इन सभी का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होना है, दो फ्लाईओवर का, एक फुटओवर ब्रिज का और दो सबवे का। फिलहाल जो मैं आपको काम दिखाने वाला हूँ, वो दिखाता हूँ पंजाबी बाग रेड लाइट के ऊपर, जो कि एक साइड के फ्लाईओवर का हिस्सा तैयार किया जाना है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑलरेडी ना भाई एक फ्लाईओवर का हिस्सा तो है, जैसा कि मैंने आपसे कहा जब आप एनएसपी से आते हैं टुवर्ड्स धौलाकुआं की तरफ, तो इस तरफ फ्लाईओवर के हिस्से से आप आगे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले साइड नहीं था, इसी वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेट्रो की लाइन भी दिखेगी, जो कि पिंक लाइन है, और इसी जगह पर यहाँ पर देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। यहाँ पर पिलर निर्माण का काम भी हो चुका है, इस जगह पर रैंप वाले हिस्से पे भी कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिखेगा, जो कि कर लिया जा चुका है। यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन का जो काम किया जाना है, वो किया जाना है दोस्तों एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का आई गर्डर की मदद से, और उसकी तैयारी अब की जा रही है। इस तरफ आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिल्ली मेट्रो की दो दो मेट्रो स्टेशन दिखेंगे, पंजाबी बाग वेस्ट, जो कि एक बनाया गया है पिंक लाइन के ऊपर और एक बनाया गया है ग्रीन लाइन के ऊपर। ग्रीन लाइन वाला ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा स्टील का स्ट्रक्चर है, मतलब स्टील के स्ट्रक्चर की मदद से ही पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन यहाँ पर दिल्ली मेट्रो ने बनाया था, और इसका मैंने आपको अपडेट भी दिखाया था, लेकिन आज तो दिखाने वाला हूँ फ्लाईओवर का अपडेट। यहाँ पर देखोगे तो इसी जगह पर कास्टिंग यार्ड है कंपनी का, जहाँ पर आई गर्डर का जो निर्माण है ना, वो कर लिया जा चुका है। आई गर्डर कंक्रीट का वो स्ट्रक्चर होने वाला भाई, जो कि पिलर को कनेक्ट करेगा एक पिलर को दूसरे पिलर से। ये गैप देख रहे हो, तो इस गैप को इसी आई गर्डर की मदद से फिल किया जाएगा, और इसी वैसे ये यहाँ पर बनाया गया है और ये बनकर तैयार हो चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन है वो इसी साल के अंत तक, यानी कि दिसंबर 2023 का ही है, तो इस साल तक ये हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो पीक आवर में यहाँ पर एक अनुमान के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां क्रॉस करती है, तो बहुत सारा टाइम वो सेव करने वाले हैं। अभी फिलहाल जो आपका 20 से 25 मिनट लगता है इस जगह को क्रॉस करने में, सिर्फ आप 2 मिनट में तय कर जाएंगे। हाँ, क्योंकि एलिवेटेड पार्ट होगा, फ्लाईओवर के ऊपर अपनी गाड़ी को रखो और निकल जाओ 70 की स्पीड लिमिट से। इस तरफ जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे धौलाकुआं की तरफ, रजौड़ी गार्डन की तरफ, तो यहाँ पर एक पूरा नया फ्लाईओवर का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो कि 1.3 किलोमीटर लंबा होने वाला है। इस जगह पर फ्लाईओवर का जो हिस्सा बनाया जा रहा है, उसके स्टार्टिंग वाले हिस्से पे देखोगे तो रैंप का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है, और इसके आगे भी देखोगे तो पिलर बनाने का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है आई गर्डर की मदद से। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पिलर निर्माण का जो कार्य है वो हो चुका है। यहाँ पर एक कनाल भी है, जिस कनाल को इसे क्रॉस करना है, तो उस कनाल को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर अभी पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जाएगा। और क्योंकि कनाल को क्रॉस करना है तो पिलर का जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो थोड़ा हेवी होगा, जो भी मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं उनके मुकाबले, और इसी वजह से आपको यहाँ पर एक मशीन भी दिख रही होगी, जिस मशीन की मदद से पाइलिंग वर्क का जो काम है वो किया जाएगा। और इसके आगे जब आप क्रॉस करेंगे, जैसे ही इस कनाल को क्रॉस कर जाएंगे, तो उसके बाद दिखेगा कि पिलर का जो पूरा हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है, और पिलर कैप का भी काम हो चुका है। और इधर राइट हैंड साइड में आपको एक स्टेशन भी दिख रहा होगा, जो कि है भाई ESI मेट्रो स्टेशन, पिंक लाइन के ऊपर ये बनाया गया है। और इसी स्टेशन के सामने यहाँ पर भी पिलर का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो रैंप बनाने का जो काम है ना, वो भी कर लिया जा चुका है, और रैंप वाले हिस्से पे अर्थवर्क का काम भी कर लिया जा चुका है।
और इस तरफ आगे जाएंगे तो ये रजौरी गार्डन का फिर आपको फ्लाईओवर दिखेगा। और वैसे ही यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है ना, जो 1.3 किलोमीटर लंबा होने वाला है, 6 लेन का, 3 लेन ईस्ट साइड, यहाँ पर ऑलरेडी फ्लाईओवर था लेकिन उस फ्लाईओवर का जो स्ट्रक्चर था ना वो बहुत ही छोटा था कंपेयर टू जो अभी बनाया जा रहा है। तो ये वाला जो देख रहे हो ये पुराने वाले फ्लाईओवर का हिस्सा है, उसका पिलर है ये, बहुत साल पहले ये बना था तो इसलिए ये पिलर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा। और जो नया वाला जो देख रहे हो इसके मुकाबले ऑलमोस्ट डबल है ये। और वैसे इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो है 355 करोड़ रुपए का और डेडलाइन जैसा कि मैंने आपसे कहा दिसंबर 2023 का है। तो इसका मतलब ये है कि आपको आने वाले कुछ दिनों में और भी इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का अपडेट देखने को मिलेगा। तो आज के लिए तो बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।